माफियाओं की वजह से हमेशा ही लोग परेशान रहते हैं, लेकिन जब उसे राहत दिलाने वाले खुद उसमें शामिल हो जाए तो क्या कहा जाए। जब खादी भी भूमाफिया बन जाए तो सवाल तो उठेंगे। सेंट्रल डिबेट के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। तो लगातार अगर बात करी जाए तो कई बार ऐसे मामले निकल कर सामने आए जब भूमाफियाओं से लोग परेशान होते हैं, लेकिन जब उसकी राहत की बात आती है तो लोग राजनेताओं के पास पहुंचते हैं अपना मामला लेकर कि वो राजनेता उन्हें इंसाफ देंगे। लेकिन सवाल तब उठ जाता है जब खादी खुद इसमें जुड़ जाए, जब राजनेता का नाम भूमाफियाओं में जुड़ जाए तो सवाल उठना लाजमी, और हमारा सवाल बिल्कुल जायज बन जाता है अगर आजम खान जैसा नेता, कद्दावर नेता भूमाफिया में गिना जाए तो क्या कहा जाए। इसके साथ ही अगर बात करी जाए तो ऐसा कोई एक मामला नहीं सामने निकल कर आया है जब ऐसे मामले में राजनेताओं का नाम आया हो, वो आजम खां का नाम हो या फिर ये ले लीजिए कि किसानों को जो मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत उछाल पर रहा कि किसानों की ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, किसानों का हम भला करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, किसानों ने मुकदमा दर्ज कराया आजम खां के खिलाफ कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। इसके साथ ही साफ तौर पर कहा गया कि यूनिवर्सिटी के लिए, जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसमें हमारी ज़मीनों को ज़बरदस्ती मिला लिया गया, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। और अब साफ तौर पर आपको बता दूं कि जिला अधिकारी अनंजय कुमार सिंह का बयान इस पर निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि शासनादेश के मुताबिक ऐसे लोगों को भूमाफिया घोषित किया जाता है जो दबंगई से ज़मीनों पर कब्जा करने के आदी हैं, जो लोग अवैध कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और जिनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज है, उनका ही नाम उत्तर प्रदेश एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज कराया जाता है, सरकार भी इसकी निगरानी करती है। तो साफ तौर पर सोचने वाली बात है अगर आजम खां जैसे कद्दावर नेता के आगे भूमाफिया लगवा दिया जाए और कहा जाए कि भूमाफिया के तौर पर कार्यरत हैं तो क्या कहेंगे आप, और क्या आप इंसाफ की मिसालें देते नजर आएंगे। वहीं उपजिलाधिकारी की अगर बात करें तो प्रेम प्रकाश तिवारी ने कहा कि आजम खां का नाम भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है, आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। आजम खां के खिलाफ एक सप्ताह के दौरान जमीन कब्जे करने के 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें एक मुकदमा 12 जुलाई को प्रशासन की ओर से दर्ज कराया गया, जिसमें कहा गया कि आलियागंज के 26 किसानों की जमीन कब्जाने का उन पर आरोप लगा गया। तो साफ तौर पर 2019 में जिन लोगों के कंधों पर बंदूक चलाई जा रही थी, जिन किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जा रही थी और निशाना साधा जा रहा था कि दिल्ली की सत्ता हासिल हो जाए, अब वो गरीब, वो किसान सामने निकल कर आया है कि आखिरकार किस तरीके से उनकी जमीन को हड़पा गया है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि हम बहुत पहले इसका विरोध करने वाले थे लेकिन हमें दबाया गया, जिसकी वजह से हम मामला नहीं दर्ज करा पाए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मायावती की है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मायावती के भाई पर अभी सीबीआई की कार्रवाई हुई, ईडी ने उन पर कार्रवाई की और उनके एक प्लॉट को जब्त किया है जो 400 करोड़ की कीमत का है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक व्यक्ति जो सामान्य स्तर का एक कर्मचारी था नोएडा प्राधिकरण में, वो व्यक्ति 400 करोड़ की जमीन का मालिक है, वो 1316 करोड़ की संपत्ति का ओनर है। जरा सवाल उठता है कि एक मामूली व्यक्ति, एक नौकरशाही व्यक्ति कितनी तनख्वाह हो जाएगी उसकी कि 1316 करोड़ का वो आदमी बन जाए। सवाल बिल्कुल उठेंगे क्योंकि खादी से इंसाफ की उम्मीद रखती है जनता, लेकिन जब खादी ही इन मिलावट में, घोटालों में शुमार हो जाए, मिल जाए आकर, तो किससे जनता इंसाफ मांगेगी, ये सवाल उठता है आज। और तीसरी तस्वीर की अगर आप बात करें तो नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी, जिस तरीके से साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी हो रही है, जो गलत हैं, जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, चाहे किसी भी अधिकारी, कोई भी रैंक अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, अधिकारी हो, क्लर्क हो, नीचे चपरासी हो, सब पे कार्रवाई चल रही है। नेता हो उनके भी खाते खोले जा रहे हैं, वो कोई भी घोटाला ले लीजिए, आप चीनी मिल का घोटाला ले लीजिए, उस पर भी सीबीआई की कार्रवाई आपने देखी। इसके साथ ही खनन घोटाले पर भी कार्रवाई देखने को मिली। तो साफ तौर पर यह हो चुका है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल लगातार यही उठता है कि आखिरकार खादी अगर भूमाफिया बन जाए तो क्या कहा जाए। मेरे साथ मेरा पूरा पैनल मौजूद है, आपको उनसे रूबरू करा देती हूँ आखिरकार कौन मेरे साथ मौजूद है। रजा रिजवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, कानूनी जानकार है, के राम प्रजापति प्रवक्ता है सुभाषपा के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी डिबेट पे। सबसे पहले रजा रिजवी की बात जाऊंगी। रजा रिजवी जी, क्या कहा जाए,
खादी को भगवान मानता है, जो आम नागरिक होता है कहता है कि अगर कोई मेरा भला कर सकता है, कोई अधिकारी मेरे साथ गलत कर रहा है, तो वो खादी है जो मुझे इंसाफ दिला सकती है, और अगर वो भी भूमाफिया बन जाए तो क्या कहा जाए। देखिए ये सही है कि आम आदमी जो है वो जब उसको परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो वो राजनेता के पास ही जाता है कि हमारी मदद करेंगे जी। और राजनेता मदद करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मदद करते हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, और या विभिन्न आयाम जो भी संबंधित हो, आम जनता जाती है, और चाहे MLA हो चाहे मंत्री हो, वो काम करते भी हैं। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, और अभी तो एक आपने नाम लिया, वो तो अराजनीतिक व्यक्ति हो, तो सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी है, और जो राजनीतिक व्यक्ति है और जो बहुत ही बड़ा लीडर माना जाता था समाजवादी पार्टी में, विपक्ष के नेता रहे, कई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे, और संसदीय कार्य मंत्री रहे, आप समझिए तो, और इससे पहले भी वो MP राज्यसभा भी रह चुके हैं, बाद में MP हुए, लेकिन आजम खां को हौरा है। हौरा का मतलब होता है कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए। आप देखिए कि उनकी जो बीबी हैं वो MP राज्यसभा हैं, उनका बेटा जो है MLA है। अरे भाई, आप इतने बड़े पद पे हो, मिनिस्टर है, 10 से ज़्यादा ऊपर डिपार्टमेंट आपके पास रहे, तब भी आपकी बीवी राज्यसभा बन जाए, क्या बात है, और दूसरा नहीं बन सकता। उसके बाद जो है आपका बेटा MLA हो जा रहा है। जब किसी को हौरा होता है जी, तो फिर हौरे में वो नहीं देखता किसकी ज़मीन है, चाहे वो गरीब किसान की ज़मीन हो और चाहे जिसकी हो जी। जिस वक्त इनका जौहर विश्वविद्यालय बन रहा था जी, और जौहर विश्वविद्यालय का राज्यपाल के यहाँ अनुमोदन के लिए गया था जी, राज्यपाल राम नाइक ने उस पर, इससे पहले जो राज्यपाल थे राम नाइक से पहले, और उसके बीच में एक टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए एक राज्यपाल जी आ गए थे, तो अनुमोदन उससे पहले के राज्यपाल अनुमोदन नहीं कर रहे थे जी, लेकिन कुछ दिन के लिए राज्यपाल एक आए और उत्तराखंड से आए, मुस्लिम राज्यपाल थे, उन्होंने उस जौहर विश्वविद्यालय खोलने के लिए उस पर जो है अपनी दस्तखत कर दिए और जौहर विश्वविद्यालय के लिए काम शुरू हो गया। ये सही है कि उस समय में बहुत सी आवाज़ें उठी थी जब ये सरकार में थे कि साहब हमारी ज़मीन को हड़पा जा रहा है, हमारी ज़मीन को लिया जा रहा है, हम ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं, तो दो चीज़ों से लोग नहीं बोल पा रहे थे। एक तो सत्ता का नशा था उनके पास, आजम खां के पास, और दूसरे वो अपने बातचीत से बहुत दबंग रहते हैं, आप समझिए, अधिकारी को डपट लेंगे, हड़का देंगे अधिकारी को बातचीत में। उनके बात करने का तरीका तो रजा रिजवी जी बहुत अच्छे से हमने देखा, वो चाहे किसी भी मामले में लीजिए, आप बात करने के तरीके में उनका लहजा और उनके जो तहजीब जिसे कही जाती है कि बहुत तरीके सलीके से बात करने का एक तरीका राजनेता में होता है, वो किसी भी गरीब से लेके अमीर तबके तक के व्यक्ति के दिल में उतारना जानता है। लेकिन जिस तरीके से आजम खां का बात करने का तरीका, वो भी जग जाहिर हो चुका है कि किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, और ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई कई सवाल खड़े करती है। अभिषेक मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर, एक राजनेता के पास जमीनों का मुकदमा जाता है, वो भी किसानों की जमीनों का मुकदमा, साफ तौर पर किसान अपनी जमीन के लिए लड़ नहीं पाए क्योंकि जो नेता है वो दबंग है। ये बेशक अगर किसी राजनीतिक दल ने ऐसा किया, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं गलत परंपरा डाल रहे हैं और गलत तरीका है। लेकिन सवाल है जो, जैसा कि ये जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया है, इस जौहर विद्यालय आज के 15-20 साल पहले की बनी हुई है, उस समय के अधिग्रहण किया गया था। अगर किसानों को कोई उस समय ग्रीवांश था तो उनको उस फोरम पर उस समय आवाज उठानी चाहिए, जैसा कि अभी रिजवी जी ने कहा कि सुखी सत्ता थी उस समय, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए, तीन अंग विधायक बनाए गए हैं समाज में, एक जो है विधायिका है, दूसरा जो है कार्यपालिका है, और तीसरा एक न्यायपालिका है, जहां हर कोई जाता है। बड़े बड़े सत्ता के लोगों आकर न्यायपालिका के सामने उनके सारे घमंड चूर हो गए। अगर ऐसा कुछ था तो उनको ये जो FIR आज लिखा है उनको पहले लिखानी चाहिए थी। शासन सत्ता ने आज उनकी FIR नहीं लिखी थी तो उनको न्यायालय में जाना चाहिए था, वो न्यायालय में जाकर के FIR दर्ज करवा सकते थे, इस तरह की बात कर सकते थे। अभिषेक जी, इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। किसानों ने प्रयास किया था इस मामले को पुलिस तक पहुंचाने का और उनका मुकदमा दर्ज कराने का, लेकिन साफ तौर पर उनको धमकी मिली थी। आपको ये बता दूं कि तत्कालीन COCT आले हसन ने उन्हें डराया धमकाया, हवालात में बंद किया और चरस और स्मैक में जेल भेजने की धमकी दी। जब व्यक्ति को ऐसे मुकदमों में फंसाने की बात कर दी जाए, जो बहुत बखूबी वो किसान जानता है कि वो लड़ते लड़ते जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे उसको बाहर आने में, क्योंकि उसके लिए पैसा देना पड़ता है। कानूनी व्यवस्था में हमें बात बहुत अच्छे से पता है कि समय अवधि काफ़ी समय लग जाता है, वकीलों का पैसा होता है, और इतना वो नहीं दे सकते थे। नहीं, देखिए,
किसी एक दो किसान की बात होती है और ये कहा जाता कि सीओ ने आकर के, जैसा कि एलिगेशन लगाया गया है कि सीओ साहब ने धमका करके जबरन जमीन कब्जा करवा दी, लेकिन जिस तरह से 26-26 किसान आ रहे हैं और भी तमाम लोग आ रहे हैं, तो अब अगर इतने बल्क में एक लोग आकर के आवाज़ उठा रहे हैं और ये कहा जाए कि सीओ ने सबको हड़का दिया और सारे लोग चुप हो गए एक बैग से, और केवल इसलिए कि उनके अंदर मुकदमा लड़ने की क्षमता नहीं थी, तो हमारे समाज, अधिवक्ता समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो, जैसा कि PIL भी होती है समाज में, जनहित याचिकाएं आती हैं, तो उसके अलावा जमीन जो है ये सिविल डिस्प्यूट है पूरी तरीके से। अगर मान लीजिए आपकी FIR नहीं लिखी गई थी, कम से कम बैनामा हुआ होगा संपत्ति का, आपने जाकर के बयान दिया होगा, आप बाद में कैंसिलेशन के लिए तो आते। फिर 2012 से तो सरकार नहीं है, 2014 से भाजपा की सरकार है, 2017 से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपको उस समय आना चाहिए था। आप इतनी आखिर ये बिल्कुल, जब मिड इलेक्शन बचा है, जब बाय इलेक्शन होने वाले हैं लेजिस्लेशन के, उस बीच में यह इस एक बैग से ये चीजें उठना और किसानों के साथ, कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि राजनीतिक वो है। अदरवाइज तो ये सही है कि राजनीतिक दलों को इस तरह से संपत्ति कब्जाएं करने का, क्या कहेंगे इस पर, उन्हें ऐसा लग रहा है अभिषेक जी को कि चुनाव की वजह से अब किसान इसलिए सामने निकल कर आए क्योंकि चुनाव सामने है? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि चुनाव के समय निकल के आया है, क्योंकि ये कार्रवाई चल रही थी और किसान दरखास्त दे रहे थे आजम खां के विरोध में, वहां का पूरा पूरा मुसलमान विरोध में, ऐसा नहीं है आजम खां के विरोध में, क्योंकि वो अभी तो 21 FIR हुई है जी, आप कल तक 12 ही थी, 21 अभी और FIR होगी, और भू माफिया जो है उनको, जो एंटी भू माफिया भारतीय जनता पार्टी का था, उस में तो उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जी। उस पोर्टल में जो है वो आजम खां का नाम डाला है कि यार ये भू माफिया है, उनका नाम डाला है, और जाहिर सी बात है कि भाई अगर जो इतना ज़मीन किसी गरीब के ले करके और उसको अगर अच्छे तरीके से पैसा नहीं दिया है, जबरन ज़मीन ली गई है, तो जाहिर सी बात है वो शिकायत करेगा, और शिकायत उसकी उस टाइम नहीं हो रही थी, इस सरकार में उसकी बात सुनी जा रही है, मतलब उस इस सरकार में उसकी बात सुनी गई, FIR लिखा गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आले हसन जो हैं, जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी थे, वो बिल्कुल, हम तो इतना कह सकते हैं कि वो अपनी दुम हिला रहे थे राजनीतिक व्यक्ति के सामने, और दुम हिला करके बिल्कुल उनके जो है खास बन रहे थे कि हम ही आपके भक्त हैं, और भक्त बन के उन्होंने जो है अपना भी फायदा लिया और आजम खां को भी फायदा दिया, और यही कारण है कि जब जांच इसने जांच किया। एक सवाल ये भी उठता है कि 2019 चुनाव का आपने मंत्र देखा, जो जमीनी स्तर का अगर कोई मुद्दा उठा तो वो किसान का मुद्दा था, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी काफी हल्ला काटा था और बीजेपी भी लगातार कह रही थी कि हम ये मुहैया करा रहे, वो मुहैया करा रहे, हर सरकार ने दावा किया था, लेकिन इस तरीके से किसानों का शोषण करना, वो भी वो तबका जो लगातार भारत में परेशान रहता है। देखिए, किसान का शोषण जो करेगा जी, वो आप समझिए दुनियावी हिसाब से भी नहीं बच पाएगा और दीनी हिसाब से भी नहीं बच पाएगा जी, इसलिए कि किसान बहुत मेहनत करता है, उसको अपने मेहनत की उस तरीके से वो नहीं मिल पाता धन, क्योंकि भाई अनाज सस्ता देना पड़ता है सरकार को, नहीं मिल पाता है। लेकिन आपको बताऊं कि अगर इस तरीके का किसान का शोषण होता रहेगा, देखिए एक एक काव्या जी आपको एक बात बताना चाहता हूं जी, कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के अंदर ये माना जा रहा था कि भाई गृह मंत्री जो है बदलेंगे, और राजनाथ सिंह गृह मंत्री पहले थे, इसके बाद अब अमित शाह गृह मंत्री हुए, तो राजनाथ जी का उत्तर प्रदेश से जुड़ाव था जी। और उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ के, लखनऊ से लड़ते हैं वो यहाँ से, इससे पहले रक्षा, इससे पहले वो जो है गृह मंत्री थे, तो CBI या पुलिस बहुत तेज एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन अमित शाह के आने के बाद, क्योंकि अमित शाह से उत्तर प्रदेश से वो उतना लगाव नहीं है जितना राजनाथ सिंह को लगाव था जी। अब अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं इस देश के, गुजरात के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश पे हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसी का कारण है कि खनन माफिया बहुत तेज़ी से पकड़े जा रहे हैं, CBI बहुत तेज़ी से जांच कर रही है। आप देखिए कि खनन माफिया के साथ साथ आप देखिए कि चीनी मिल वाला, आपने ही कहा, उस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है, और साथ ही साथ ED भी बहुत, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर, डायरेक्टर भी पर्सनल इशारे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, इनकम टैक्स विभाग यानी केंद्रीय सरकार की बहुत तेज़ी से काम करके, जिनको अभी मायावती ने अपना एक तरीके से वारिस पार्टी के घोषित किया, BSP का उपाध्यक्ष आनंद को वारिस घोषित किया, हमने आपके ही चैनल से कहा था कि वारिस तो घोषित किया जा रहा है, ये राजनीतिक वारिस के साथ साथ कहीं धन का वारिस तो नहीं घोषित किया जा रहा है, और यही देखिए कि 400 करोड़ की संपत्ति, ये छोटी मोटी संपत्ति नहीं होती। चले प्रजापति जी आपसे सवाल, एक व्यक्ति जो राजनीति से जिसका कोई लेना देना नहीं होता, उसके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में होता है और एकदम से एक कंपनी से 49 कंपनी ओपन हो जाती हैं,
क्या हर राजनीतिक पार्टी ऐसा ही करती है? क्योंकि ऐसी कोई तस्वीर हमने पहली बार नहीं देखी है। ऐसा है, ये राजनीति इन लोगों ने पैसा कमाने का एक वो बना लिया है। इन लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि आज हम अगर राजनीति में आए हैं तो कल जो हम राजनीति करेंगे मुझे पैसा की विशेष जरूरत पड़ेगी। इन लोगों के ये दिमाग में बात राजनीतिक नेताओं के है कि वो सब लोग हर चीज को पैसा समझ रहे। इस इनकी दिमाग की मानसिकता की वजह से ये अनगल काम करते हैं और पैसा धन को जुटाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता वोटर किस मेहनत से अपने काम छोड़ करके, मैं बुंदेलखंड से हूं, मैं जानता हूं कितना पिछड़ा क्षेत्र है हमारा, आदमी किसान नौकरी सब काम धंधा छोड़ करके इनको वोट डाल के नेता बनाने का काम करती है। बिल्कुल, ये उम्मीद करती है कि ये नेता आगे चल के नए चेहरा है, ये हमारा भला करेंगे, हमारी खेती किसानी पर ध्यान देंगे, हमारा जो पिछड़ापन है बुंदेलखंड का वो दूर करेंगे। लेकिन इन नेताओं को ये करने की बजाय ये अपने आगे का भविष्य सोचने के चक्कर में जी दलदल में फंसते चले जाते हैं। ये इसी दलदल में फंसते चले जाते हैं, ये इस बात को कितना मानेंगे रजा रिजवी जी की फंसते चले जाते हैं? मुझे तो लगता है दलदल खुद बनाते ही जानबूझ के। नहीं, ऐसा नहीं है। जब शासन सत्ता पा जाते हैं और तो शासन सत्ता का जब आवरण उनके शरीर पर होता है तो वो बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। बिल्कुल, और वो बहुत सी चीजें उनके आवरण में घुसती नहीं, वो तीरों नस्तर उनको टच नहीं करते, वो छू के निकल जाते हैं। तो उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ऑलवेज राइट, मैं सही काम कर रहा हूँ, और वो कोशिश भी करते हैं। फाइलों में अपने अधिकारियों से कहते हैं ऐसी फाइल बना लाओ, ऐसा कर लाओ कि जिससे जो है वो कील काटा दुरुस्त रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कील काटा रही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ नकेल रही जाती है, कहीं सुराख रही जाता है, और उसी सुराख के सहारे एजेंसियाँ जो है आगे बढ़ती हैं। अब भाई जिस आदमी की आमदनी मान लीजिए पूरे साल हर महीने उसकी आमदनी 2 लाख है, अब 3 लाख है, और वो एक साल के अंदर 36 लाख अगर साल में उसको मिल रहा है, खर्चा वर्चा निकालने के बाद अगर वो 15 लाख बचाता तो ठीक है, और एक साल में अगर उसके पास 5 करोड़ भी हो जा रहा है तो 5 करोड़ कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब होना चाहिए। बिल्कुल, अभिषेक जी क्या कहेंगे? एक नोएडा प्राधिकरण का व्यक्ति जो क्लर्क पोस्ट पर है और आज उस व्यक्ति के पास 1316 करोड़ की संपत्ति है, कैसे मिल गई? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति अब जो है पूरी तरह से व्यवसाय बन चुकी है, और हर एक राजनीतिक दल या राजनेता जो भी हैं वो सिर्फ इसको अब पैसा कमाने का एक जरिया समझ रखे हैं। और मेरे ख्याल से इन लोगों ने जो समझ बना रखा है हिसाब से ये है कि अब सबसे अच्छा धंधा बन गया है राजनीति पैसा कमाने का। बिल्कुल, ये जैसे ही सत्ता में आते हैं सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम होता है। पहले एक राजनीति ही नहीं, मतलब आप ये समझिए अब धर्म और राजनीति दोनों ऐसे एस्पेक्ट लोगों ने बना दिए हैं जहां से केवल पैसा कमाई करते हैं। आपने कई ऐसे बाबा लोगों को भी देख लिया जो पैसा कमाने के लिए मंदिरों में बैठ जाते हैं और खुद बाबा बन जाते हैं, और दूसरा ये राजनेता बन चुके हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा बिजनेस बन चुका है, सबसे आसान तरीके से सबसे ज्यादा पैसा कमाने का ये एक रास्ता बन चुका है राजनीति और धर्म। अब रही बात पैसे पाने की, एक बैग 400 करोड़ रुपए, ये किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति के पास की बात नहीं है। आप अगर राजनेताओं की बात करेंगे और इस तरह से आमदनी अगर देखेंगे किसकी कितनी गुनी बढ़ी है तो सत्ता पक्ष के भी तमाम लोग मिलेंगे। अभी अभी अमित शाह जी के बेटे के ऊपर भी आरोप आज के 2 साल पहले लगे थे, वो चीजें आई कहीं उस पर डिबेट हुई थी, बीजेपी ले लीजिए, सारी पार्टी सारे दलों के लोग सरकार सभी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखिए आप किसी भी राजनीतिक दल को स्टैंड करने के लिए बिना पैसे के कोई राजनीतिक दल स्टैंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो जनता होती है, इलेक्शन का टाइम आता है, आपसे मैं बताऊं अगर कोई आदमी 10 गाड़ियों के काफिले से निकलता है हाई फाइव महंगी लग्जरी गाड़ियों से, पब्लिक उसकी ओर ज्यादा इफेक्ट करती है। साइकिल से आज की तारीख में आप चुनाव करके चुनाव लड़के सोचिए कि आप इलेक्शन जीत लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें एक फैशन ट्रेंड में बन चुकी है। जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहती, वो भी हाई फाई नेताओं को ही देखते। अदरवाइज क्या वजह है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं हर कोई जानता है कि ये वक्त ये था और आज ये था, उसके बावजूद भी वो जीत के आता है इलेक्शन में। प्रजापति जी, परिवारवाद बहुत ज्यादा हावी हो रहा है हर चीज में, आप अपराध की सीमा देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि जो राजनीति परिवारवाद चल रहा है, पिता राजनीति में है, माता राजनीति में है, फिर बेटा राजनीति में आएगा, फिर दूसरा बेटा राजनीति में आएगा, भांजा भतीजा खानदान का जो व्यक्ति वो राजनीति में आएगा और फायदा कमाएगा, ये सिस्टम राजनीति का चल रहा है इस समय, क्या कहेंगे इस पर? ये राजनीति जितनी लोग कर रहे हैं ये आगे चल के जनता इनको नकार देगी, जैसे नकारती नजर नहीं आ रही ना सर, क्योंकि पता है आप राजनेताओं की एक बहुत अच्छी खासियत ही है,
वो छिपा के करते हो, जब आता है वक्त तो कह देते कि विपक्ष हम पे जानबूझकर हमला कर रहा है। इनके राजभर जी अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे थे, जो ये कह रहे हैं अभी जी। इनके नेता ही जो है सुहेल राउत के जो मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर जी, वही अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे थे। वो भी देखिए आयोग के मेंबर है और अध्यक्ष या क्या रहे कुछ, तो ये ना कहिए। अरे भाई राजनाथ सिंह जी का बेटा भी विधायक है, कल्याण सिंह जी का पोता भी मंत्री बना हुआ है, तो ये तो सारे दलों में है, सारी पार्टियों में है, ये परिवार को चलाना और परिवार के लोगों को टिकट देकर अपना अपना भला कर रहे हैं। लेकिन माननीय राजभर जी एक तो अच्छा कर रहे हैं, अति दलित अति पिछड़ा की आवाज उठा करके अपना स्वार्थ ना देख करके ये कुर्बानी तो दे रहे हैं। एक तो एक काम हमारे माननीय वो यही शुरुआत मायावती जी ने भी की थी राजनीति में। अरे उनकी बात छोड़िए आप बहन जी की, आप एक नए चेहरा को देखिए जिन्होंने अति दलित अति पिछड़ा की इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना भला नहीं देखा। आज हमारे मानवर जी जो है रहने के लिए तक किराए तक पे लखनऊ में रह रहे हैं, अगर उन्होंने अपने लिए क्या अर्जित किया। मानवर ऐसे ऐसे नेता की जनता को जरूरत है मानवर। तो भाई एमएलए हैं, सरकारी आवास नहीं लेंगे क्या? मंत्री वाला आवास हटके एमएलए तो है ना, एमएलए पर से थोड़ी इस्तीफा दिया है, तो एमएलए वाले तो आवास लिए होंगे ना। अरे एमएलए वाला आवास क्यों किराए पर सफा में दे दिया, जहां आदमी बैठना पसंद नहीं करता है। ऐसे ऐसे क्या हमारे मंत्री जी ने जो है जो लड़ाई लड़ी है जमीनी अत पिछड़ा। अरे भाई गांव के आदमी हैं, उनको दारूसेवा में रहने में क्या दिक्कत है? कहीं भी रह सकते हैं, वो तो गांव जमीन से आम जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो तो छप्पर में भी रह सकते हैं। तो आप दारूसेवा मिला तो कहते हैं दारूसेवा के भाई, ये तो बात समझ में नहीं आती भाई। नहीं वहाँ वहाँ भी रहेंगे, लेकिन वो अपनी जो जमीनी लड़ाई तो आप कह रहे हैं किराए के मकान में रह रहे हैं, क्यों किराए मकान में रहे लखनऊ में? मिले दारूसेवा एक पॉलिसी रखिए, प्रजापति सत्ता में आ जाएगी तब गाँव तब छप्पर में रहेंगे, वो छप्पर में नहीं रहेंगे, जो उनको सरकारी आवास मिलेगा उनके कद के हिसाब से उसमें रहेंगे। मतलब वो चाहते हैं पांच कालिदास में रहना। अभी भी हमारे मानवर राजभर जी कैबिनेट मंत्री रहे, मतलब अभी वो दारूसेफा में नहीं रह सकते, वो कूचे में फिरने से आम जनता की वो नेतागिरी करेंगे, गरीब गरीब किसान का नेतागिरी करेंगे और दारूसेफा में नहीं रह पाएंगे, जहाँ तीन कमरे मिल रहे हैं, भोजन किया है उन्होंने, तो ये सोच तो गलत है ना उनकी। हमीरपुर में जी अगर किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें करना भी चाहिए, जनसभा करनी थी, करना भी चाहिए, इसलिए उन्हें नेता बनाया भी गया है। लेकिन उनकी उनकी नेता में जो समस्या लेके आते थे, उनकी एप्लीकेशन उनकी हमदर्दी की अलग टोकरी में डाल दी जाती थी, उनकी सुनी नहीं जाती थी, इसीलिए इनकी पार्टी का भी क्या वो चेहरा निकल कर सामने आएगा जो सभी पार्टियों का आया है। क्योंकि पारिवारिक जो फायदे होते हैं वो आपने कांग्रेस की भी देख ली, देखिए आपसे जवाब लूंगी, लेकिन यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।